हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम नाम में आपका स्वागत है। मैं पीएम आज आपके सामने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों आज आपके सामने दो लेटेस्ट अपडेट रहेंगे। हमारे पास कुछ न्यूज आई है, हाँ दोस्तों कुछ न्यूज आई है जो कि आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक दो न्यूज और देना चाहता हूँ। दोस्तों ये न्यूज ये है कि आप सभी हमारे पास बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि इस वैकेंसी में जो कि आपकी जो ट्रेड है कुक व सफाई कर्मचारी है, अन्य जो ट्रेड है उसमें अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी क्या? तो दोस्तों बने रहिए, मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताऊंगा इसकी पूरी जानकारी। अनुभव प्रमाण पत्र आपको कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, क्या इसकी इस वैकेंसी में जरूरत है क्या? इससे पहले आपने अभी तक वो हमारे द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ दोस्तों हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें मैंने स्टडी के मटेरियल वह आपके सफाई कर्मचारी कुक के नोट्स अपलोड हो रहे हैं ट्रेड के। तो दोस्तों अभी तक आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ओनली बॉयज़ के लिए वो ग्रुप है। अगर कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स का आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसमें आपको मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करोगे तो आपको गर्ल्स का ओनली अलग से ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ओनली गर्ल्स को। तो दोस्तों बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के अलग है, तो आपकी सेफ्टी के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। तो दोस्तों आपको ज्वाइन करना तो कर लीजिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो स्टडी में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस वैकेंसी में, इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी क्या। तो दोस्तों देखते हैं उस पीडीएफ के माध्यम से। हेलो दोस्तों, तो आपके सामने पीडीएफ आ गई, जो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपनी ऑफिशियल साइट पर जाके ये पीडीएफ ले सकते हो। दोस्तों इस पीडीएफ में विद प्रूफ के साथ आपको बताया गया है कि आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता है या नहीं है, उसके अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो कैंडिडेट पहले से सीआरपीएफ ट्रेडमैन की एग्जाम दे चुका है, ट्रेड टेस्ट दे चुका है, उसको तो पूरा अनुभव है, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है नहीं होती है। दोस्तों कुछ दिन पहले यानी कुछ 2 साल पहले जब ट्रेड टेस्ट हुआ था तो काफ़ी बच्चों को बाहर किया गया था, उसके जो आपको अनुभव के रिगार्डिंग, जो जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं था उसको एक अप्लीकेशन लिखा के बाहर कर दिया गया था। तो दोस्तों आप इस गलती को बिल्कुल ना दोहराए, अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो जरूर बनवाए जिस आप ट्रेड से फॉर्म फिलअप किए हो। दोस्तों विद प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले आप देख सकते हो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ओनली जो कि आप कांस्टेबल से ज़्यादा हो तो जो अक्सरिसमैन एंड जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं यूआर के, उनको 45 अंक चाहिए 100 में से, एंड जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के हैं उसको 40 अंक चाहिए ओनली एग्जाम को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ट्रेड स्टेट में क्वालिफाई होने के लिए। तो दोस्तों ये तो ये आपकी जो कि एग्जाम मार्क्स की आपको कितने अंक लाने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको ट्रेड टेस्ट में क्या एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। तो दोस्तों आप बने रहिए इस चैनल के माध्यम से, आपको पूरी सटीक व बेसिक न्यूज मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा स्टेट सेकंड है ट्रेड टेस्ट एंड जो आपकी रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये तो आपके सामने दिख रहे हैं कि अगर जितना ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होगा ना उतने आपको अंक मिलेंगे। हाँ दोस्तों आपके सामने है, मैं कुछ अपने मन से तो नहीं बता रहा हूँ, पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूँ, आप देख सकते हो। यानी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स इन, आपका अगर एक्सपीरियंस 5 वर्ष का हो तो आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद में देखिए नीचे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हाँ दोस्तों सर्चिंग आपके नीचे दे रखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हाँ दोस्तों आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए टाइम ऑफ स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे ना तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस भी लिखा है, आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स इज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टेक्निकल ईटीसी। तो दोस्तों आप सभी को अनुभव प्रमाण पत्र जरूर बनाना है, कैसे बनाना है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से, एंड आप अब नीचे आइए नोट 1 नोट 2 में। तो दोस्तों नोट 1 में तो आपको एएसआई के रिगार्डिंग है, आपको नोट 2 पे ध्यान देना है मार्क्स ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। हाँ दोस्तों आपको जो आपके पास अगर सर्टिफिकेट हुआ ना तो आपको अंक मिलेंगे। दोस्तों अब ये बच्चे तो ऐसे जो कोई बच्चा नहीं है कि उसको अंक नहीं मिलने चाहिए, सब ऐसे चाहते हैं कि हमें अंक मिलने चाहिए। तो अंक मिलने के लिए आपको क्या बनाना है, एक्सपीरियंस। दोस्तों इसमें पीडीएफ में विद प्रूफ के साथ दे रखा है मार्क्स इन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो कॉन्स्टेबल इसमें दे भी रखा है, कुक, सफाई कर्मचारी, वाटरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर अलाउड जो सभी है उसके लिए, एंड उसमें ये भी दिख रहा है जो आपका प्रैक्टिकल ग्राउंड में होगा, सभी के सामने आपका प्रैक्टिकल होगा युद्ध ग्राउंड में। तो दोस्तों उसके लिए भी आपको इसमें दे रखा है कि कितने अंक चाहिए आपको, 20 का आपको 20 अंक का होगा टोटल, जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है वो 20 अंक का होगा। उसमें से आपको अगर आप यू आर एक्सीलेंस मैन या ईडब्ल्यूएस से तो आपको 8 अंक चाहिए, अगर आप ओबीसी एसटी को बनते हो तो आपको 7 अंक चाहिए 20 में से।
तो दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपके 2 या 3 अंक तो उसके मिल जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसका ट्रेड टेस्ट का क्वालिफाई करना है था आपको, तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनाना है। दोस्तों आप एक बार अपनी एग्जाम पे ध्यान दीजिए, जैसे आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी, एग्जाम ने आपको क्वालिफाई कर दिया ना, तो इस चैनल के माध्यम से यानी मैं पीएम आपका तो सर्टिफिकेट है वो बना के दूंगा। तो लेकिन आपको उसके लिए, आपको अगर आप जयपुर के आसपास हो तो आप हमें आके बनवा सकते हो, हमारे होम आके या हमारे आसपास आके वो एक्सपीरियंस बना सकते हो। अगर आप दूर हो तो हम आपसे डाक से पार्सल बनाएंगे या डाक से आपको भेज देंगे। तो दोस्तों नो टेंशन, वो आपका एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जो आपका सर्टिफिकेट है नर्मो प्रमाण पत्र वो भी आपको बन के तैयार हो जाएगा। पहले आप एग्ज़ाम की क्वालिफाई की यानी एग्ज़ाम की चिंता करो, एक्सपीरियंस बाद की बात है, एग्जाम के बाद में मांगा जाएगा वो। तो एग्जाम के बाद में आपको टाइम मिलेगा 1-2 मंथ का, तो उसके माध्यम से हम बना लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जाम की। तो दोस्तों हमारे पास कुछ न्यूज आई है, यानी कि जो हमारे सर जी हैं उन्होंने बताया था कि आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है। हाँ दोस्तों आपकी एग्जाम 21 मई या 25 मई को नहीं हो सकती, क्योंकि एक्टिव केस ज़्यादा हो रहे हैं, इसके चलते आपकी जो एग्जाम है 21 मई या 23, जो मैंने आपको 23 मई एंड 25 मई डेट बताई थी, उसको होना असंभव है। यानी अभी तो 50% ये बताया उन्होंने, अगर 1 तारीख को क्लियर बताएंगे, अभी तक उन्होंने ये कहा है कि शायद नहीं होगी, 1 तारीख तक वो आपको कन्फर्म बता देंगे। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के माध्यम से, आपको विद प्रूफ के साथ पूरी जो सबूत है मैं आपको बताऊंगा, एंड जो हमने RTI भी लगाई है उसमें आपके सारे टोटल कैंडिडेट भी आएंगे विद, जो कि आपको कास्ट वाइज हम कैंडिडेट बताएंगे कि इस कास्ट में कितने हैं, किस ट्रेड में कितने क्वालिफाई हैं फिजिकल में, एंड कितने रिटर्न देंगे, ये सारी चीज़ें मैंने RTI लगा रखी है। जैसे RTI का जवाब आ जाएगा सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों बने रहिए चैनल के माध्यम से, जो कोई भी आपके डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप हमारा इंस्टाग्राम जो उसको ज्वाइन करके उसके माध्यम से आप हमारी आपकी राय दे सकते हो, कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, एंड आप वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, लड़कियों का अलग है बॉयज़ का अलग है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।